गाइस, आप में से बहुत से ऐसे ब्लॉगर होंगे जिनको एसईओ के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होगी, बट कुछ ऐसे भी ब्लॉगर होंगे जिनको एसईओ के बारे में बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि एसईओ दो तरीके के होते हैं, एक ऑन पेज एक ऑफ पेज। तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो ऑफ पेज वाला वीडियो है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो अभी जान लो कि ये जो ऑन पेज एसईओ होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो गाइस देखो, ऑन पेज एसईओ एक तरीके का एक पैटर्न है जिस पैटर्न में आपको अपना आर्टिकल लिखना पड़ता है। अगर आपका पूरा आर्टिकल उस पूरे पैटर्न के बेसिस पे होता है तो गूगल की नज़रों में वो आर्टिकल बहुत ही यूनिक होता है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी होती है, और गूगल क्या करता है फिर आपके आर्टिकल को प्रमोट भी करता है, और जल्दी से जल्दी आपके आर्टिकल की रैंकिंग भी बढ़ती है। तो इसलिए जो एसईओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक और आपकी वेबसाइट की अर्निंग को ग्रो करने के लिए। तो अब हम जानते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में, बट उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को जाओ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और कुछ काम की वीडियो हैं अगर अच्छी लगे तो देख लो, वरना और भी वीडियो आएंगी उन्हें देख लेना, ओके। बट उसके लिए पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम आपको एक आर्टिकल लेंगे अपना, जो कि मेरा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हमने पूरा ऑन पेज एसईओ किया है और उसी के बारे में आपको बताएंगे। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ऑन पेज एसईओ करने के बाद कैसा आर्टिकल, मतलब कैसे पता चलता है कि आपका आर्टिकल ऑन पेज एसईओ हो चुका है। तो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, अधिकतर यूज़र इस समय वर्डप्रेस पे ही बनाते हैं क्योंकि वर्डप्रेस पे थोड़ा ईजी रहता है रैंक करना। बट अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है तो आप ब्लॉगर पे भी एसईओ कर सकते हो, बट वहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई गाइड टूल नहीं मिलता है जिससे आपको पता चल सके कि जो हमने आर्टिकल लिखा है और जो एसईओ किया है वो थोड़ा सही बेसिस पे एसईओ किया है, ठीक है। तो इसलिए आप देखो, सबसे पहले तो देखो कि ये ग्रीन टिक है जिससे पता चल रहा है कि हमारा आर्टिकल फुल्ली ऑन पेज एसईओ हो चुका है इस आर्टिकल पे, ओके। अब ये जो प्लगइन है एसईओ वाला, ये यूज्ड प्लगइन है जो कि आप इजीली वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर सकते हो जाके, ठीक है। बट उसके बाद आपको इस पे एक तरीके का पूरा पैटर्न होता है जिस पैटर्न में काम करना पड़ता है। जैसे कि आप देखो, यहाँ पर दिया गया है एसईओ एनालिसिस। अब इस एसईओ एनालिसिस में कई चीज़ें आती हैं, जैसे आउटबाउंड लिंक, इंटरनल लिंकिंग, की फ्रेज इंट्रोडक्शन, की फ्रेज लेंथ। तो देखो कई चीज़ें हैं, ठीक है, एल टैग, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन। तो ये सभी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, एक एक चीज़ हम कवर करते हैं, इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, और इस चीज़ को स्टार्ट करने के बाद हम कवर करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ऊपर से हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आर्टिकल का मेन कीवर्ड जो होता है उससे बताना होता है कि मेरा जो मेन कीवर्ड क्या है। तो मेरा जो आर्टिकल है वो राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट जी हैं उनके ऊपर है, तो मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है राकेश शर्मा। तो मैंने क्या किया, योस्ट एसईओ में जाके बता दिया कि जो मेरा मेन कीवर्ड है वो राकेश शर्मा है, ओके। अब राकेश शर्मा हो तो हो गया, उसके बाद क्या होता है कि आपको करना ये होता है कि इस कीवर्ड को कई जगह पर प्लेस करना पड़ता है, जिससे कि जब गूगल का जो क्रॉलर है या फिर बॉट बोल लो, वो जब आते हैं तो वो जल्दी से स्कैन करके इसका पता लगा ले कि ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल इस कैटेगरी में जाना है और इस चीज़ के बारे में बताया है, ओके। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको जो अपना कीवर्ड है मेन कीवर्ड उसे टाइटल में डालना है, ठीक है। ये आपका टाइटल है, इस कीवर्ड में आपको अपना मेन टाइटल, जो मतलब मेन टाइटल है उसमें आपको अपना कीवर्ड डालना है, ठीक है। तो देखो, मैंने राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट डाला, ये अल्टरनेटिव कीवर्ड है, बट इसमें जो मेरा मेन कीवर्ड है राकेश शर्मा वो भी आ चुका है, ठीक है। तो इससे मेरा दो कीवर्ड काम करेगा, एक राकेश शर्मा, एक राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट, मेरा दोनों काम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जान लो टाइटल के बारे में, कि आपका जो टाइटल होना चाहिए वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जब गूगल पे कोई सर्च करे और वहां पर अगर आपका आर्टिकल आए तो जो यूज़र है वो आपके आर्टिकल को जो टाइटल है उसे देखते ही। तो गाइस ये हुआ टाइटल का काम। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि जो पैरा होता है, मतलब कि जो हम कंटेंट लिखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती है जिससे कि हमारा आर्टिकल रैंक हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपका जो मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लिखो,
उसके बाद आप अपना जो कंटेंट लिखते हो वो कंटेंट लिखो। कंटेंट लिखने के पूरा आपने कंटेंट लिख लिया, अब कंटेंट लिखने के बाद आप एक चीज़ और ध्यान में रखो कि जो आपका कीवर्ड है इसके जितने भी अल्टरनेटिव कीवर्ड्स हैं या फिर आपका यही कीवर्ड है, इस कीवर्ड को आपके अपने पूरे आर्टिकल में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपना जो फर्स्ट पैरा होता है यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, ताकि जब कोई जल्दी से जल्दी अगर सर्च करे तो गूगल का क्रॉलर जो है वो टाइटल स्कैन करने के बाद सीधे आपका जो ऊपर का कंटेंट है उसे स्कैन करे, और जब उसे स्कैन कर लेगा तो वो इजीली बता देगा, आपके आर्टिकल को वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पर सर्च किया जा रहा है इसके बारे में। तो इसलिए आपको अपने मेन कीवर्ड को सबसे पहले फर्स्ट पैरा में डालना है। मैंने देखो फर्स्ट पैरा में नंबर वन पे ही शुरू में ही डाल दिया। ओके, इसके बाद आपको अपने पूरे कंटेंट पे जगह जगह पर अपने जो अल्टरनेटिव कीवर्ड्स हैं उन्हें डालना है। मैंने देखो आपको हर जगह दिखा रहा हूँ कि मैंने कंटेंट डाला है, हर जगह कंटेंट डाला है। ओके, जो जो चीज़ें डालने वाली है देखो, राकेश शर्मा नाउ और भी जितनी कंटेंट हैं वो मैंने डाले हैं। तो आपको भी कम से कम 10 कीवर्ड निकाल लेने हैं और उन 10 कीवर्ड्स को पूरे अपने कंटेंट में लिखना है। हाँ, जगह जगह पर आपको अपने कंटेंट में देना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको हेडिंग देनी होती है। तो आपकी जो H1 हेडिंग होती है वो आपका टाइटल होता है, बट आपको उसके बाद H2 हेडिंग देनी होती है, और इस हेडिंग में आपको अपना कीवर्ड भी देना होता है। और इस कीवर्ड की जो लिमिट होती है वो ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि आपने अगर 5 जगह हेडिंग दी है तो आप 5 की 5ों जगह मेन कीवर्ड डालोगे, नहीं, आपको 5 में से कम 3 जगह डालना होगा। ठीक है, अगर 75% से ऊपर हो जाता है तो जो योस्ट एसईओ का प्लगइन है वो आपको खुद ही हाईलाइट कर देता है। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड हेडिंग डाली जिसमें राकेश शर्मा बायोग्राफी, जहाँ पर मेरा मेन कीवर्ड भी कवर हो गया और जो अल्टरनेटिव कीवर्ड है वो भी कवर हो गया। इसी तरह मैंने और भी जगह हेडिंग दी है, जैसे कि यहाँ हेडिंग दी राकेश शर्मा बायोपिक, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, डाल दिया अपना कीवर्ड। ठीक है, इसी तरह आपको जितनी भी हेडिंग दोगे उन हेडिंग को आप H2, H3, H4 में, जितना आप नीचे आओगे उतना H2, H3, H4 में चेंज करते चलोगे। जैसे कि ये देखो H2 है, नीचे आओगे आपको ये H3 मिलेगी, और नीचे जाओगे तो ये H3 है, और नीचे आप जाओगे तो आपको H2 भी मिल जाएगी, H4 मिल जाएगी, देखो ये H4 है। तो इसी तरह आपको जितने भी कीवर्ड आप दो उन सभी कीवर्ड में अपना मेन कीवर्ड जो है उसे यूज करो, पर 75% के अबव नहीं जाना चाहिए। ओके, मैक्सिमम आप आधी जगह, जैसे 6 हेडिंग है तो आप 3 जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को कीवर्ड में, मतलब इन कीवर्ड्स को टाइटल में या फिर हेडिंग में यूज करने का सबसे बढ़िया जो होता है, इसका यूज़ होता है वो ये होता है कि जब गूगल में आपके, मतलब जब आर्टिकल इंडेक्स हो जाता है तो आपके जो कीवर्ड्स होते हैं वो अगर हेडिंग में होते हैं तो गूगल के बॉट्स को जल्दी से जल्दी पता चल जाता है कि हाँ ये जो आर्टिकल है इसमें इस चीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो जब गूगल पे कोई यूज़र आकर राकेश शर्मा स्पीच सर्च करेगा तो गूगल के क्रॉलर को इन आर्टिकल के अंदर घुस के सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके कीवर्ड्स को, बल्कि वो आपके इस कीवर्ड को तुरंत हेडिंग से ही स्कैन कर लेगा और जाके आपके रिजल्ट में, उस रिजल्ट में आपकी भी वेबसाइट घुसोड़ के डाल देगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि यूजर आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो मेन कीवर्ड है या फिर जो आपका अल्टरनेटिव कीवर्ड्स है उन्हें आप हेडिंग में यूज करो। ठीक है, जो जो कीवर्ड्स पे आप रैंक कराना चाहते हो, जिनसे आप ट्रैफिक लाना चाहते हो, उन्हें आप अपनी हेडिंग में यूज़ करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको एक चीज़ और याद में रखो कि जब आप कोई भी कंटेंट लिखो तो उन कंटेंट को छोटे छोटे पैरा में लिखो। जैसे कि आप मेरा कोई भी ये पैरा उठा लो, 3-4 लाइन से अधिक नहीं है, 3, 3.5, 4, इससे अधिक नहीं है। तो आप जब छोटे छोटे पैरा में लिखोगे ना तो वो अच्छा होगा, यूज़र अट्रैक्शन, मतलब यूज़र जो अट्रैक्ट होगा जब रीड करेगा आपका, वो तो ऑडियो रिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो बढ़ता है। गूगल का जब कोई रिजल्ट आता है, मतलब गूगल का जब कोई यूज़र आता है तो वो आपके आर्टिकल को जब रीड करता है तो वो आपके आर्टिकल को रीड करने के बाद इसे इज, मतलब जब उस पर कम लाइन में आपका कंटेंट होता है तो वो इजीली उसे रीड कर लेता है। बट अगर आप 5-6 लाइन या 10-15 लाइन पे एक पूरा पैरा बनाते हो तो वो उसे पढ़ता तो है बट वो कंफ्यूज हो जाता है और बाहर निकल जाता है, जिससे आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है। तो आपको अपना बाउंस रेट कम रखना है।
सकते हो, इसलिए आप छोटे छोटे पैरा में यूज किया करो, ठीक है। देन उसके बाद आप एक्सटर्नल लिंकिंग इंटरनल लिंकिंग के बारे में समझ लो। तो एक्सटर्नल लिंकिंग होती है जब आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी चीज़ यूज करो और उसकी एक एक्सटर्नल लिंक दो, मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ यूज़ किया लुधियाना, तो लुधियाना एक मतलब जगह है, तो हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंकिंग दे दी, और ये एक्सटर्नल लिंकिंग आपकी वेबसाइट से नहीं बल्कि बाहर की वेबसाइट से है, जो कि दूसरी वेबसाइट से, उनकी वेबसाइट से आपको लिंक देना होता है कि जैसे कोई यूज़र है उसे लुधियाना के बारे में जानना है, तो वो इस पर क्लिक करेगा तो वो उनकी वेबसाइट पर पहुँच जाएगा, उनके कंटेंट पे पहुंच जाएगा और वहां पर जाके लुधियाना रीड कर लेगा, ओके। इसी तरह आपको इंटरनल लिंकिंग देनी होती है, तो इंटरनल लिंकिंग में आपका अपना खुद का कीवर्ड आता है। तो इंटरनल लिंकिंग में क्या होता है कि आपको अपनी किसी आर्टिकल की लिंक देनी होती है, जैसे हमने दिया दुश्मन को पराजय करने के लिए अपना चाणक्य की या 10 नीति। तो अगर कोई यूज़र आया, उसने पूरा आर्टिकल पढ़ा, उसे और भी मेरे आर्टिकल पढ़ने होंगे, तो वो इस आर्टिकल पे इस लिंक पे क्लिक करेगा और सीधे मेरे दूसरे आर्टिकल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको अपने पूरे कंटेंट में इमेजेस यूज करनी होती हैं। जब आप इमेज यहाँ पर डालोगे तो आपको एल टैग देना पड़ता है, जो साइड में आप आओगे तो यहाँ पर एल टैग होता है, तो आप एल टैग में जाके अपना टैग दे सकते हो, ओके। तो जिस कीवर्ड पे आपको अपनी इमेज रैंक करानी है या फिर आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपको एल टैग में जाके डालना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्शन देना पड़ता है, ठीक है, तो कैप्शन भी आप जाके दो, और इसी तरह आपको एल टैग देना पड़ता है, और अपनी मीडियम मतलब इमेज की साइज़ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इमेज का हो गया, इंटरनल लिंकिंग हो गया, एक्सटर्नल लिंकिंग हो गई, कीवर्ड प्लेसमेंट हो गया, सब कुछ हो चुका है। अब हम जो ये नीचे जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें हम इजीली ग्रीन कर लेंगे। अगर आप इतनी चीज़ें करोगे तो आपको नीचे गूगल जो ये योस्ट एसईओ का प्लगइन है ये खुद ही गाइड करेगा, आपको इसी हिसाब से सारा चीज़ें करनी है और आप इजीली कर लोगे, ओके। और इसके बाद आपको जो अपना ये होता है एडिट स्निप, इससे क्या होता है, इसे जाके चेंज करना पड़ता है। इसमें जैसे कि देखो, मैंने देखा कि ये पूरा टाइटल तो मैंने दे दिया, इसके बाद स्लग होता है जिसे हम परमा लिंक बोलते हैं। तो परमा लिंक का मतलब हुआ कि आपका जो कंटेंट है, जैसे कि मेरा ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हम किस कीवर्ड पर रैंक कराना चाहते हैं उसको कीवर्ड को आपको परमा लिंक में डालना पड़ता है। जैसे कि हमें रैंक कराना है राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट, जिससे कि हमारा ये आर्टिकल राकेश शर्मा पे भी रैंक कर जाएगा और राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट पे भी ऐड हो जाएगा, तो हमने राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट परमा लिंक में डाल दिया। ये परमा लिंक आप ईजिली स्लग में जाके एडिट स्निप्ट है यहाँ पर जाके बना सकते हो। इसके बाद आपको मेटा डिस्क्रिप्शन देना होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको एक शॉर्ट दो लाइन में अपने कंटेंट के बारे में बताना होता है और उसमें आपका जो मेन कीवर्ड है उसे भी यूज़ करना पड़ता है। तो देखो मैंने यहाँ राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट और राकेश शर्मा बायोग्राफी इन हिंदी, इसके बारे में दो कीवर्ड दिए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो आर्टिकल है वो गूगल पे जब सर्च को लग करते हो तो वहाँ पर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन यही दो चीज़ दिखाता है, तो इन्हीं दोनों चीज़ से हमारा आर्टिकल जल्दी से जल्दी बॉट्स इसे क्रॉल करके मतलब इसे तुरंत स्कैन करके हमारे आर्टिकल को पहुँचाते हैं। इसलिए आपको अपने डिस्क्रिप्शन पे टाइटल पे हमेशा कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। तो यही है आपका पूरा ऑन पेज एसईओ, ठीक है। और भी चीज़ें हैं बट अभी एक बिगनर्स के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, तो आप इतनी चीज़ें यूज़ करो, इतनी चीज़ें अप्लाई करो अपने आर्टिकल पे, और आगे और भी जो चीज़ें एडवांस हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप खाली इतनी चीज़ें सीखो और इतनी चीज़ें अप्लाई करो अपने आर्टिकल पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।